पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद शहर के मजूरा थाना क्षेत्र के लाइन पार में रहने वाले एक युवक के परिजनों ने जीजा पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं युवक की मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आरोप है कि उसके जीजा ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, जिसने जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी जीजा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना की जानकारी लगते ही एएसपी सागर जैन भी मौके पर पहुंच गए। जी, घर वालों ने जो सूचना दी है, जो तहरीर दी है, उसके हिसाब से रजनीश सन ऑफ सुभाष चंद जो है वो प्रकाश नगर गली नंबर 2 के रहने वाले हैं। उन्होंने ये सूचना दी पुलिस को कि कल रात ये इनकी माँ जो है मृतक की, वो अपने दामाद के यहाँ पे विपिन बिश्नोई के यहाँ पे जो कुंदनपुर के रहने वाले हैं, वहाँ पे अपने लड़के को छोड़ के गई थी। फिर उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे उनके दामाद ने उनको शराब वगैरह पिलाई और नशे की हालत में मारपीट की, जिसकी वजह से रात को 3 बजे इनकी मृत्यु हो गई है। ये हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। फिर उन्होंने पुलिस को सूचित किया, उसके बाद हमने फील्ड यूनिट बुलाई है और अभी PM के लिए बॉडी जा रही है और तहरीर लेके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा लिखा। सर, जो आरोपी है क्या उसे भी गिरफ्तार किया? जी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी है वैधानिक कार्रवाई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।